खबर अमेरिका के चुनाव से जुड़ी हुई है। अमेरिका के चुनावों में हर दिन बयानबाजी और उठापटक का खेल चल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के बाद जहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को सर्वे में बढ़त मिलती हुई दिखी है, तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार एक शहीद सैनिक के परिवार पर ऐसी टिप्पणी की है जो उनकी आलोचना की वजह बन रही है। अमेरिका के चुनाव में कैंपेन के साथ ही हर दिन एक दूसरे के खिलाफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कभी हिलेरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देती हैं, तो कभी ट्रंप के तीखे बयान डेमोक्रेटिक पार्टी के बयानों को चीरने वाले होते हैं। अपने एंटी मुस्लिम एटीट्यूड और अजीबोगरीब बयानों के लिए बदनाम हो चुके डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा है जिसे समझ पाना उन्हीं की बस की बात है। दरअसल शनिवार को पाकिस्तानी मूल के शहीद कैप्टन हुमायूं के पिता ने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई थी, जिस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, जब खिर्ज खान भाषण दे रहे थे उस दौरान उनकी पत्नी गजाला खान हिजाब पहने पीछे खड़ी थी और उन्हें बोलने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। ट्रंप के इस बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। इसी बीच ट्रंप ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन की कमान संभाल रहे एलन को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी की है, क्योंकि जनरल एलन ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के खिलाफ बयान दिया था। जनरल एलन पर की गई ट्रंप की टिप्पणी पर हिलेरी क्लिंटन ने पेंसिल्वेनिया में अपनी रैली के दौरान ट्रंप को जमकर फटकार लगाई। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की कैंपेन साइट और डीएनसी की साइट हैक होने के बाद भी हिलेरी चुनाव प्रचार में पूरी तरह लगी हुई हैं और अपनी पॉलिसीज को लेकर लोगों से समर्थन की अपील कर रही हैं। हम अनफेयर ट्रेड डील्स को बंद करेंगे, हम चीन के खिलाफ खड़े होंगे, हम अपने स्टील वर्कर्स का समर्थन करेंगे, अपने ऑटो वर्कर्स और घरेलू मैन्युफैक्चरर्स का समर्थन करेंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मुझे आपके आइडिया की जरूरत है। इसी बीच हिलेरी क्लिंटन के लिए खुशखबरी ये है कि फिलाडेल्फिया में हुए डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की कामयाबी के बाद हिलेरी क्लिंटन की छवि में करीब 9 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। पब्लिक पॉलिसी पोलिंग के हालिया सर्वे के मुताबिक हिलेरी के लिए ये अच्छी बात है कि उनके अंक बढ़े हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपनी कैंडिडेट को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।